NCE Upon a Time in a Sunny Little Town, three inseparable friends named Mia, Sam, and Alex shared an extraordinary bond. They were like the three peas in a pod, always together, exploring the world around them. One summer day, they stumbled upon an old Welcome to Tech CS and IT channel. अभी जो आपने वीडियो देखी है, इस तरह की एनिमेटेड वीडियो बनाना अब आपके लिए कोई मसला नहीं है. आप इजीली इस तरह की वीडियोस को बना सकते हैं. कोई मुश्किल नहीं है. इसको सीखने के लिए आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है. तो यहाँ पे दो तीन स्टेप हैं, हम जस्ट उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आराम से इस तरह की वीडियोस विद इन 5 सेकंड हम बना लेंगे. तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहाँ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इस तरह की एनिमेटेड वीडियोज़ को जनरेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने अपने गूगल अकाउंट से चैट GPT को ओपन कर लेना है. यहाँ पे आपने जो स्टोरी क्रिएट करनी है, यहाँ पे आपने उसको पहले लिख लेना है. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट अ शॉर्ट 3 किड स्टोरी. जी, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट अ शॉर्ट 3 किड स्टोरी अंडर 150 वर्ड्स. लिखने के बाद मैं इसको यहाँ पे ओके करूँगा. तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास वो एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है. जब हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्रिएट स्टोरी क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास प्रोसेस है वो ये लिखना है कि आपने इस स्टोरी का प्रॉम्प्ट लिखना है. तो उसके लिए आपने राइट बिलो इसके इस स्टोरी के बिलो नीचे जहाँ पे आपने जहाँ पे लिखा हुआ है सेंड मैसेजेस, आपने यहाँ पे अगेन एक सेंटेंस लिखना है राइट द प्रॉम्प्ट दिस स्टोरी फॉर जनरेट इमेज. मैंने यहाँ पे लिखा है राइट दी प्रॉम्प्ट्स दिस स्टोरी फॉर जनरेट इमेज. जो स्टोरी ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है इसका यहाँ पे प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ देर के अंदर जो है वो प्रॉम्प्ट जनरेट हो जाएगा. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं इस स्टोरी के जो मैंने यहाँ पे जनरेट किए हैं. फिर हम इन 10 स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है हम इमेज जनरेट करेंगे और फिर फर्दर जो है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 3D जो है वो इमेज वीडियो जो है हमारे पास जनरेट होगी. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास 3 स्टेप्स हैं. पहला स्टेप ये है कि जो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, स्टोरी जो यहाँ पे लिखी है, उसको पहले हम स्पीच क्रिएट करेंगे. स्पीच के बाद फिर हमने उसका 3D इमेज बनाना है और 3D इमेज बनाने के बाद इन द एंड जो है हम 3D वीडियो जो है वो फिर इसके वहाँ पे जनरेट करेंगे जो टोटली हमारे पास एनिमेटेड. तो जो हमने यहाँ पे अभी शॉर्ट स्टोरी लिखी, इस स्टोरी को हम अब स्पीच के अंदर कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर. तो मैं यहाँ पे लिखता है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे मैंने इंटर किया. जैसे आप यहां पे इंटर करेंगे तो आपके पास मल्टीपल यहां पे ऑप्शंस आ जाएंगी. आप यहां से किसी भी एक ऑप्शन को ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इस ऑप्शन को यहां पे लेता हूं. तो जैसे मैंने यहां पे इस ऑप्शन को लिया तो आपके पास टेक्स्ट मैजिक के अंदर यहां पे आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है. यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट जो है वो वहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो अगेन हम जाते हैं चैट GPT के ऊपर जहाँ पर हमने एक स्टोरी जो है वहाँ पर क्रिएट की थी. तो यहाँ पर हमारे पास चैट GPT है, हम यहाँ पे उस स्टोरी को कॉपी कर लेंगे. मैं इसको यहाँ से कॉपी किया. कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है. जो स्टोरी मैंने यहाँ पे पुट की थी वो यहाँ पे कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुकी है टेक्स्ट टू वॉइस के अंदर, स्पीच के अंदर. NCE अपॉन अ टाइम इन अ सनी लिटिल टाउन. Three inseparable friends named Mia, Sam, and Alex shared an extraordinary bond. इसके बाद आपने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे. डाउनलोड जो है वो आपके पास आपके सिस्टम के अंदर किसी स्पेसिफिकेशन लोकेशन के ऊपर जो है जाके वहाँ पे सेव हो जाएगी. तो जब आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो आपके पास आ जाएगा तो नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप है वो आपके पास है जो आपके पास स्टोरी है, स्टोरी आपने लिखी हुई है, उसके 3D इमेज जो है वो आपने यहाँ पे क्रिएट करने हैं. तो उस पर्पज के लिए हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, हम उस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं. टेक्स्ट टू स्पीच करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है Leonardo.ai. हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पहला जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा. आपके पास अगर अकाउंट है तो आप यहाँ पे अकाउंट उसी अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं अकाउंट की तरफ. तो इसको यहाँ पे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये टाइम लगाएगा. टाइम लगाने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से जो है ये ओपन हो जाएगा. यहाँ से फिर आपने फर्दर इसके ऊपर काम करना है.
क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट मौजूद था, तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास ओपन हो गया। अगर आपके पास अकाउंट ना हो तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है यहाँ पे जनरेट कर लेना है। अकाउंट जनरेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एआई इमेज जनरेशन, आपने इसको यहाँ पे क्लिक करना है। एआई इमेज जनरेटर को क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे सबसे पहले जाना है और उसका एक्सपेक्ट रेशो देखना है आपने। आप एक्सपेक्ट रेशो जो है वो आपके पास 16:9 होना चाहिए, आपने इसको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी के अंदर चले जाना है, वहाँ पे आपने एक स्टोरी क्रिएट की थी और स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे प्रॉम्प्ट मौजूद है, तो आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप पहला यहाँ पे प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, आपने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है। आपने कॉपी करने के बाद जो है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा तो इसको मैं कहूँगा जी हम इसको जनरेट करेंगे इमेजेस को। तो इस एक प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके पास इमेज जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके पास एक के अकॉर्डिंग जो है वो 4 इमेज यहाँ पे जनरेट होंगे। आपने उन इमेजेस को यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा आपको। फ्यू सेकंड्स के बाद आपके पास यहाँ पे इमेज क्रिएट हो जाएंगे। जब इमेज क्रिएट हो जाएंगे तो आपने उनको फिर डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपके पास जितने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बनाए हैं, जो हमारे पास 10 थे, आपने सारे प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से लेना है और वन बाय वन यहाँ पे पेश करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे इमेज क्रिएट कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अमीडो विदा कोजी अंथिल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे इमेज जनरेटेड मिल रहे हैं, आपने हर इमेज को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इन इमेजेस को जो है यहाँ पे डाउनलोड करते जाएंगे। तो इसी तरह से आपके पास दूसरा इमेज है, आपने इसको क्लिक करना है और इसको यहाँ पे डाउनलोड करते जाएंगे। फिर आपके पास थर्ड इमेज है, इसी तरह से आपके पास जितने भी इमेजेस यहाँ पे मौजूद होंगे आपने उनको यहाँ से डाउनलोड करते जाना है। इसी तरह से फिर आपने अगेन यहाँ पे जाना है और चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे। आप यहाँ पे जो सेकेंड आपके पास प्रॉम्प्ट है आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जो कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। तो हम यहाँ पे सेकंड प्रॉम्प्ट को लेके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर हम इसके अकॉर्डिंग जो है वो इमेजेस को यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लिया था उसको टाइम लगा था, तो ये भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारे पास जैसे ये इमेज हो जाते हैं और तो फिर हम फर्दर देखेंगे कि हम किस तरह से इसके थ्रू जो हमारे पास फर्दर वीडियो है हम उसको जनरेट कर सकते हैं। जी, तो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास फर्दर जो है वो इमेजेस यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। आप फर्दर इन इमेजेस को यहाँ पे डाउनलोड कर लें, आपके पास अदर इमेजेस यहाँ पे आ गए हैं। तो सारे इमेजेस यहाँ पे नहीं लेते, मैं यहाँ पे 2-3 इमेजेस को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम वहाँ पर चलते हैं कि हमने किस तरह से इन इमेजेस को जो हमने डाउनलोड किए हैं हम इन इमेजेस को वीडियो के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे एआई वीडियो के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे पास है लियापिक्स का। हमने यहाँ पे लियापिक्स लिखा, गूगल के अंदर आपने लियापिक्स लिखने हैं, यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपके पास ओपन होना स्टार्ट होता है तो देखें, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है, आपने इसको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद जो है आप इसके ऊपर फर्दर जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप कोई भी जीमेल का अकाउंट लेके इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने काम किया था तो उसका एक इमेज मौजूद है। तो आप एक और इमेज जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे फर्दर ऑप्शंस मौजूद हैं जो आपने यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस जो है अभी बनाए थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, 100 तक जैसे जाएगा तो मेरे पास इमेज जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो अपलोड हो गए हैं। फिर मैं इन इमेजेस को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है सेव की, आप इन इमेजेस को जो है वो फर्दर फिर सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास जितने भी इमेजेस और मौजूद हैं आपने सारे इमेजेस को ऐसे लेते जाना है और उनको सेव करते जाना है।
और आपके पास जब ये सारे इमेजेस हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 15 20 इमेजेस हो जाते हैं, तो आपने जिस ऑर्डर के अंदर इनको जो प्रॉम्प्ट है आपके पास, जो प्रॉम्प्ट से आपने यहाँ पे स्टेटमेंट ली थी, आपने उसी स्टेटमेंट को लेना है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इमेजेस जो है वो क्रिएट करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि पहले आप कोई और एक प्रॉम्प्ट की स्टेटमेंट ले लें और उसके इमेजेस ले लें फर्दर, क्योंकि आपने इन सारे 3D वीडियोज़ को वहाँ पे एक्सपोर्ट करना है किसी न किसी टूल के अंदर। तो आप उसको वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और मैंने इमेज यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लिया है। इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और सेव कर लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये यहाँ पे सेव हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जितने इमेजेस थे, हमने यहाँ पे इमेजेस को इस तरह से वन बाय वन डाउनलोड करते आना है, वन बाय वन क्रिएट करते आएंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं किसी टूल की तरफ, वहाँ पे हम इनको इम्पोर्ट कर लेते हैं इमेजेस को, और वहाँ पे इसकी सेटिंग करते हैं। आपके सामने फिल्मोरा 9 एडिटिंग टूल है। आप इसके अंदर डिफरेंट वीडियोज़ को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 वीडियोज़ मौजूद हैं। ये 3 एनिमेटेड वीडियोज़ हैं जो अभी हमने जनरेट की हैं। आप इन वीडियोज़ को अकॉर्डिंग टू प्रॉम्प्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने यहाँ पे स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पे ये मेरे पास वॉइस मौजूद है। ये वो वॉइस है जो हमने स्टार्ट के अंदर स्टोरी चैट GPT से, हमने टेक्स्ट टू इमेज के अंदर हमने वहाँ पे पुट की थी। वहाँ से जो हमने वॉइस क्रिएट की थी, वो वॉइस जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। और उसके बाद जो है इसको यहाँ पे स्टार्ट जैसे हमने यहाँ पे किया था, उसके बाद आपने यहाँ पे जितने भी आपके पास ये शॉर्ट वीडियोस हैं, आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट करती जानी है और आपने फिर फर्दर जो है इन स्टोरीज को यहाँ पे चला देना है। तो इस तरह से ये आपके पास स्टार्ट हो NCE upon a time in a sunny little town, three inseparable friends named Mia, Sam, and Alex shared an extraordinary bond. They were like the three peas in a pod, always together, exploring the world around them. One summer day, they stumbled upon an old, abandoned treehouse deep in the woods. With determination and teamwork, तो जी जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, आप इस तरह से यहाँ पे ये शॉर्ट वीडियोस पुट करते जाएंगे, बैक एंड के ऊपर आपके पास यहाँ पे स्टोरी चलती जाएगी। आप इजीली 3D एनिमेटेड वीडियोस जो है वो यहाँ से बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपने देखा हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर जो है ये सारी वीडियोज़ को जनरेट कर लिया। फर्दर अगर आप इसके ऊपर जो है वो टाइटल लगाना चाहती हैं, तो आपके पास फिल्मोरा 9 के अंदर यहाँ पे सब टाइटल की भी ऑप्शन मौजूद है। आप इसको जितना बेहतर तरीके के साथ फर्दर एडिट कर सकते हैं तो आप इसको एडिट करें और इजीली जो है आप 3D एनिमेटेड यहाँ पे मूवीज़ बना सकते हैं।